हैदराबाद के सुल्तानपुर में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने हॉस्टल मेस में परोसी गई चटनी में एक चूहे को तैरते हुए देखा। घटना का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शायद आपसे होकर भी ये वीडियो गुजरा हुआ हो, जिससे संस्थान में आपको बता दें खाद्य सुरक्षा पर व्यापक चिंता फैल गई है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। घटना के बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने घटना की जांच के लिए कैंपस मेस का दौरा किया, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। अधिकारी ने प्रबंधन से केवल कैंटीन ठेकेदार पर आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा। तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने आपको बता दें कि छात्रों को मेस समिति का हिस्सा बनने के लिए कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को अच्छा खाना परोसा जाए। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी हाल ही में यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा अपने हॉस्टल के भोजन की गंदगी और अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। यानी इससे पहले भी यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उन्होंने इसकी शिकायत पहले भी की है कि हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है। खाना जो उन्हें दिया जाता है वो गंदगी के साथ परोसा जाता है। तो देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही पहले से ही होती आ रही है, और छात्रों द्वारा जो शिकायत की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, शायद जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। और एक बार फिर से ये वीडियो जो है वो सामने आया, किस तरीके से आपको बता दें जो चटनी परोसी गई, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उस चटनी में चूहा तैरता हुआ दिखा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। निश्चित तौर पर पूरा जो छात्रावास है या यूनिवर्सिटी है उसके प्रशासन पर सवाल उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि छात्रों के सेहत का सवाल है ये। और इससे पहले भी छात्र इसे लेकर, आपको बता दें कि किस तरीके से जो उनका मेस है वहां पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, सुविधा नहीं है, गंदगी वहां पर है, जब उन्हें खाना दिया जाता है गंदगी रहती है, इसका विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया था। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सौमित का। सौमित, ये वीडियो आपने भी देखा होगा किस तरीके से, हालांकि खबर ये भी सामने आ रही कि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो हॉस्टल के छात्र हैं, जो वहां पढ़ने वाले छात्र हैं, उन्होंने इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था कि किस तरीके से जो मेस है वो गंदगी से भरा रहता है, जो खाना उन्हें दिया जाता है उसमें सफाई नहीं रहती है। फिलहाल इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद, वायरल होने के बाद, क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, वहाँ के जो छात्र है, ये जो एडिशनल कलेक्टर, एक्चुअली ये जो वीडियो है ये वायरल होने के बाद, तो एक स्टूडेंट छात्र ने वीडियो निकालकर अंदर जो कैंटीन है, ये JNTU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल जो यूनिवर्सिटी है, ये सुल्तानपुर संगारेड्डी और हैदराबाद के बिल्कुल नजदीक है और रेप्यूटेड कैंपस है। इसमें जो कैंटीन है, इसमें जो कैंटीन में चटनी बनाए थे, उस चटनी में एक चूहा दिखाई देता है, और वो वीडियो एक छात्र ने लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किए थे। उसके बाद ये वीडियो वायरल जाने के बाद जो एडिशनल कलेक्टर है संगारेड्डी के, उन्होंने जाकर विजिट भी किया था, और साथ से भी वहाँ पे स्टूडेंट से भी उन्होंने बात किया, और कहे एडिशनल कलेक्टर ने कहा है कि ये जो मेस के जो कंडीशंस है ये कब से, उन्होंने ये भी पूछा है कि ये कब से ऐसे है, और उन्होंने खुद मैनेजमेंट से बात कर ये कहा कि यहाँ पे बच्चे बिल्कुल खाने की स्थिति नहीं है और बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये मेस चला रहे हैं। तो कि यहाँ की JNTH की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि अभी जो पुरानी मेस है वहां पे नहीं कुकिंग हो रही है और दूसरा नई जगह बनाई गई है जहाँ कुकिंग के लिए, तो अभी फिलहाल वो तो कवर अप करने की कोशिश थी, मगर ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में कंप्लीट वो जो कि मेस है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में देखा गया था, और एडिशनल कलेक्टर ने उस पर इंक्वायरी की जांच भी ऑर्डर किए हैं, और वो फाइनल रिपोर्ट के लिए भी वेट कर रहे हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट को भी उन्होंने वार्न किया था कि जो मेस के कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर सिवियर एक्शन या फिर स्ट्रिंजेंट एक्शन इनिशिएट करने के लिए भी उन्होंने मैनेजमेंट को ऑर्डर दिए हैं। और मेस कमेटी में एक स्टूडेंट को भी, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी शामिल करने के लिए उन्होंने सजेशन भी दिया है। जी सौमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।